हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज अपन बात करते हैं किसी भी वेबसाइट से ऑनलाइन कोई भी अपन सामान मांगते हैं तो उसके पार्सल को चेक करने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, मैं उस पार्सल को चेक करने का तरीका आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये नंबर लिखे हुए हैं, आप देखेंगे ये चारों तरफ, दोस्तों ये चारों तरफ इस तरीके के नंबर ये डले हुए हैं। तो ये आपको नंबर साफ साफ नज़र आना चाहिए दोस्तों, ये खिंचे हुए नंबर नहीं होना चाहिए। और दोस्तों देखिए, दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी, जैसे कि यहाँ से ये पैकिंग हुई है, ये यहाँ पर स्टेच करी हुई है, ये भी आपको देखना चाहिए यहाँ से खिंचा हुआ ना हो। अगर खिंचा हुआ हो तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा रहता है प्लीज़ डू नॉट एक्सेप्ट दिस पैक। दोस्तों यहाँ पर कुछ लिखा रहता है कि अगर ये पैकिंग खुली हुई हो तो आप इसे रिसीव ना करें। तो देखिए यहाँ से, देखिए दोस्तों यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है डू नॉट कट हेयर ओपन नंबर। अगर यहाँ से ये कोई नंबर कट हो रहे होंगे तो भी आप इसे पार्सल को ना लें। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर बताता हूँ, देखिए यहाँ पर ये वज़न लिखा हुआ है 380 ग्राम। तो दोस्तों अगर आप पे वेट मशीन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको इस तरीके से चेक करना है अपने पार्सल को, तभी रिसीव करना है। और दोस्तों ज़रूरी नहीं है ये इसी कंपनी, इसी ई कॉमर्स वेबसाइट से मंगाई हो, अगर किसी से भी मंगाते हैं तो सबकी पैकिंग के रूल्स यही रहते हैं, आपको बस इस तरीके से चेक करना है और आपको लेना है। अगर पैकिंग खुली हुई लगी आपको तो दोस्तों आप उसे लौटा सकते हैं और वापस कर सकते हैं और ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं, और उसके बाद आपका पैसा आपके, जैसे आपने कैश ऑन डिलीवरी मंगाई होगी तो आप डिलीवरी ना लें। अगर आपने अपने जैसे कि ATM कार्ड से मंगाया होगा तो आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस चले जाएंगे। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। और दोस्तों सावधानी ज़रूरी है, आपका पैसा है इसलिए बिल्कुल सावधानी से लेना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।